जो भी प्लेयर को आप लेना चाहते हैं वो प्लेयर आपको फ्लॉप हो जाता है, जो प्लेयर आप ड्रॉप करना चाहते हैं वो प्लेयर अच्छे खासे स्कोर कर देता है। इसमें आपको गलती है या ड्री अलेवन का? मेरे दोस्तों, आपका कोई गलती नहीं है। ड्री अलेवन ने आपको खुद शौकनी की ट्रिक लगाकर आपको हराना चाहता है। देखिए, जो 11-22 खिलाड़ी होता है इस आईपीएल के अंदर, 11-22 नहीं 15-30 खिलाड़ी के परफॉर्म लाइनअप में लिया है। लाइनअप में लेने के बाद वो आपको क्या करता है, जो चार खिलाड़ी है, चार खिलाड़ी में से वही चार खिलाड़ी को बैठा देता है। आप लोग सोचते हैं कि लाइनअप में उनका नाम नहीं है, वो तो नहीं खेलेगा, लेकिन वो आकर खेल जाता है। और वो बॉलर हो या बैट्समैन हो, बॉलर एक दो ओवर नहीं चार चार ओवर कर लेता है। जब वो चार चार ओवर कर लेता है तो वो तीन विकेट भी निकाल लेता है, जिसकी कंडीशन में आपको काफ़ी नुकसान होता है। पहले तो करोड़ों रुपया जीतना बहुत आसान था, लेकिन अभी लॉजिक कंपनी ने क्या लगाया है, चाहे आप हारो या जीतो उससे आपको नुकसान होगा। कंपनी का कोई नुकसान नहीं होता, कंपनी का फायदा ही फायदा है। देखिए, ये तो होता है। आज मैं आपको लाइव प्रोडक्ट दिखाऊंगा कि ड्री अलेवन के साथ किस तरह से फ्रॉड या स्किल कीजिए। मेरे दोस्तों, फ्रॉड नहीं होता है, लेकिन आपको चौकनी ट्रिक से आपको हरा देता है। आखिर ये चौकनी ट्रिक कैसे काम करता है, इस वीडियो में मैं बात करूंगा और मैं लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि आखिर आपके साथ ऐसा क्यों होता है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए, जो भी ग्रैंड लीग या मेगा ग्रैंड लीग या स्मॉल लीग जीता है वो कोई ना कोई इंसान ही जीता है। कोई ना कोई इंसान है जो मेगा लीग ग्रैंड लीग जीतता है। आप नहीं जीतते हैं तो आप सोचते हैं कि ये फ्रॉड है, ये मेरे साथ फ्रॉड करते हैं। मेरे दोस्तों, ये तो फ्रॉड नहीं करते हैं, ये सबसे बड़ा फैंटेसी क्रिकेट है, जो कि हर लीग इंडिया में सबसे अधिक पूरे विश्व में ये लीग है, ये पूरे विश्व के लोग खेलता है, तो समझिए ये फ्रॉड नहीं होता। अगर फ्रॉड होता थोड़ा भी, इंडिया में भी फ्रॉड होता तो ये बैंड हो जाता, लेकिन फ्रॉड नहीं है, जो ये पूरे विश्व में चलता है। इस कंडीशन में आप अपने माइंड से ये निकाल दीजिए कि ये फ्रॉड है, फ्रॉड वाले से अपना छोड़ दीजिए। आपको मैं आपको थोड़ा 2-3 मैच लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ, जैसे जो भी प्लेयर आप अपने टीम में रखे हैं वो प्लेयर कंसिस्टेंट रूप से परफॉर्म नहीं करता है, वो फ्लॉप्स होता है, लेकिन आपको पता नहीं होता है। लेकिन जो ड्री अलेवन है, कंपनियाँ है, उसे पता होता है कि कौन सा प्लेयर चलेगा, कौन सा प्लेयर फ्लॉप्स होगा। देखिए, आखिर उनको पता नहीं होता है तो लाइनअप आने के बाद 2-4 प्लेयर ऐसा क्यों पेश कर देता है जिनके बारे में ना तो आपको रिकॉर्ड मालूम होता है, ना उस ग्राउंड पर वो खेला होता है, ना तो उनका रिकॉर्ड मिलता है, ना तो स्टेट मिलता है, आखिर कैसा बैटिंग करता है, कैसा बॉलिंग करता है, ये सब कुछ ना मिलने के बावजूद भी वो खिलाड़ी जब खेलता है तो आपको ड्रीम टीम में जो फर्स्ट रैंक लाता है उनका ड्रीम टीम में आ जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसी को बारे में आज मैं अच्छे से डिटेल करेंगे, रिस्पेंड करेंगे, जो अच्छे खासा है इंपॉर्टेंट चीज, वो लॉजिक है, जो तरीका है उन तरीका को पकड़ना पड़ेगा, तब जाकर आप अच्छे खासे प्रॉफिट कर सकते हैं, अच्छे खासे फैंटेसी यूज कर सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको सीखना और सिखाना है, ये नहीं है कि मैं आपको टीम देता हूँ, मैं आज तक किसी को टीम नहीं दिया हूँ, सिर्फ आपको रास्ता बताता हूँ, आप वो रास्ता पर जाकर खुद अच्छे से टीम बनाने का बादशाह बन सकते हैं, एक्सपर्ट बन सकते हैं। हम लोग को है आपको बादशाह बनाना और एक्सपर्ट बनाना, लेकिन आपको मन है आप बनना चाहते हैं या नहीं। अगर आप बनना चाहते हैं तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लाइव प्रूफ के लिए देखिए, यहाँ पर विकेट कीपर सेक्शन से दिनेश कार्तिक का पॉइंट देखिए, 7.5 है और इस पर ये खेलता है, ये विकेट कीपरिंग है और ये विकेट कीपरिंग भी करता है, ये 4-5 नंबर में बैटिंग करने भी आएगा, और नेजन ये 2 नंबर में है, इनका पॉइंट देखिए, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट प्लेयर है। और देखिए, मैं दिनेश कार्तिक जो आप सभी जानते हैं लेकिन इनको नहीं जानते हैं, लेकिन इनका ड्री अलेवन जानता है,
आप नहीं जानते हैं, इनको डेरी 11 जानता है। देखिए ये क्रेडिट, मैं इसको ओपन करता हूँ, 6.5 क्रेडिट 4 पॉइंट दिया है। देखिए ये, देखिए 4 क्रेडिट 0 दिया है, ये 6 पॉइंट इतना क्रेडिट में है, देखिए अच्छे खासे पॉइंट दिया है। देखिए यहाँ पर आपको एक बात नोटिस किया है, यहाँ पर 19 पॉइंट दिया है तो ये माइनस में है। देखिए जो है ये माइनस में है, इनका देखिए पॉइंट देखा ये पर, देखिए इस तरह से पॉइंट दिया है, 6.5 क्रिएटिव भी आपको शामिल है और ये अपनी टीम में रख लेता है। अब मैं बात कर लेता हूँ दिनेश काते पर। मेरे दोस्तों थोड़ा स्किप नहीं कीजिएगा, इसी लॉजिक पर, इसी पर जितना भी फैंटेसी क्रिकेट है इसी पर चलता है। इसे एनालाइज करने के लिए बहुत मेहनत लगता है मेरे दोस्तों, अगर आप मेहनत नहीं तो एक लाइक एक कॉमेंट कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आएगा, तब नहीं आएगा तो आप वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। ये नहीं कहता हूं कि जबरदस्ती लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूंगा, जब तक आपको पसंद नहीं आएगा तब तक आप लाइक ना डिसलाइक करना या वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। जब तक आप अच्छे से संतुष्ट हो जाएंगे, पहले इस्तेमाल फिर विश्वास, पहले ये ट्रिक को इस्तेमाल कीजिए, अगर ये ट्रिक आपको काम करेगा तब जाकर आप सब्सक्राइब और लाइक करना। यहां पर देखिए माइनस 2.0 बॉलिंग, यहां पर देखिए 10 पॉइंट, यहाँ पर देखिए 30 पॉइंट, यहाँ पर देखिए किस तरह से पॉइंट है, जबकि ये 5 नंबर इनका क्रेडिट डाउन कर दिया है। इनका क्रेडिट डाउन होने से ये आपको डायरेक्ट डेरी 11 बता देता है इनका पॉइंट डाउन है, तो ये चलने वाले प्लेयर नहीं है। इसे आप चाहें तो रिक्सेबल में रख सकते हैं या ड्रॉप करके जा सकते हैं। अब यहाँ जाते हैं बैट्समैन सेक्शन में, बैट्समैन सेक्शन में जो नहीं खेलता है उनका पॉइंट देखिए, इनका बैलेंस कभी खेलता है कभी नहीं खेलता है, इनका पॉइंट देखिए कितना है। आपको मैं आपको इस पॉइंट को देखिए, ये पॉइंट है बिलेज, ये पॉइंट आपको देखिए, ये सारे 8 का क्रेडिट का पॉइंट है, इनका सारे 8 का क्रेडिट पॉइंट क्यों दिया है, देखिए ये सारे पॉइंट 8 के ऊपर दिखा रहा है, लाइनअप देखिए तीर का निशान ऊपर दिखा रहा है, इस प्लेयर का पॉइंट बढ़ने वाला है। आखिर इसको पॉइंट क्यों बढ़ाता है रे कंपनी डेरी 11 फैंटेसी यूजर क्यों बनाता है? उससे पहले देखिए 8 पॉइंट था, यहाँ पर 8.5 पॉइंट वाला और तीर का निशान ने आया है, यहाँ पर देखिए 8 पॉइंट था, जब 8 पॉइंट था तो 154 पॉइंट दिए हैं, ध्यान से देखिए मेरे दोस्तों, जब 8 पॉइंट का था तो 119 पॉइंट दिए हैं, देखिए जब 8 पॉइंट का था 47 पॉइंट दिए हैं, जब 5 क्रेडिट बढ़ा तो ये फ्लॉप्स हो गया है। ये लॉजिक आप देखिए, आपके आंखों के सामने मैं दिखा रहा हूँ, जिस प्लेयर को क्रेडिट पॉइंट बढ़ा वो फ्लॉप्स हो गया। आखिर यहाँ पर 8.5 से ऊपर किया है फ्लॉप्स किया है, यहाँ पर देखिए 8 पॉइंट रखा है, 8 पॉइंट में 154 पॉइंट दिया है, यहाँ पर देखिए 8 पॉइंट में रखा है तो 119 पॉइंट दिया है, यहाँ पर देखिए 8 पॉइंट रखा है तो 147 पॉइंट दिया है, यानी जय 5 क्रेडिट बढ़ा तो ये पॉइंट, ये प्लेयर जो है या तो लाइनअप में नहीं आया या तो ड्रॉप कर दिया गया या तो फ्लॉप्स हो गया है। इस तरह से आप डेरी 11 आपके साथ फ्रॉड करता है। अब देखिए विराट कोहली के बारे में देखता हूँ, डिप्लोसी जो अच्छे खासे परफॉर्म करता है, इनके बारे में थोड़ा ध्यानपूर्वक देखिए, अगर आप एक बार ध्यानपूर्वक देख लेंगे तो आपको कहीं नहीं जाना है, पूरे लॉजिक को आप अच्छे से एक्सपर्ट बन जाएंगे और बादशाह खुद कहलाएंगे। किसी विराट कोहली का देखिए, विराट कोहली का पॉइंट नहीं कमेगा मेरे दोस्तों, विराट कोहली का पॉइंट नहीं कमेगा। देखिए आपको शुरू से मैं विराट कोहली को देखते हैं, देखिए विराट कोहली का जो पॉइंट है 9 पॉइंट है, इतना 122 पॉइंट ये फ्लॉप्स हुआ है, सेलेक्शन परसेंट भी देखिए और इनका पॉइंट भी देखिए, 9 पॉइंट विराट कोहली को क्यों नहीं कमता है? देखिए देखिए विराट कोहली इसमें फ्लॉप्स हुआ है फिर भी पॉइंट नहीं कमाया, 9 पॉइंट यहाँ भी फ्लॉप्स हुआ है फिर भी पॉइंट नहीं कमाया है। देखिए आखिर विराट कोहली को पॉइंट क्यों नहीं कमता है, ये सवाल आपका मन में होगा। अब देखिए डिप्लोसी के बारे में मैं आपको दिखाकर फिर पॉइंट के बारे में बात करूंगा, डिप्लोसी को भी देख लीजिए, क्योंकि इस IPL में काफ़ी धमाकेदार मचा रहा है बंदे, कोई भी टीम का अगेंस्ट अच्छे खासे परफॉर्म करता है, कोई भी बॉलर को धो देता है। इनका भी पॉइंट देखिए 90 पॉइंट 9 क्रेडिट 113.9 क्रेडिट 93.9 क्रेडिट, इसको आखिर पॉइंट क्यों नहीं बढ़ाया है? देखिए डिप्लोसी का पॉइंट नहीं बढ़ाया है, सिर्फ 9 क्रेडिट है, पॉइंट का आगा नहीं है, यहाँ से 1 पॉइंट बढ़ा है, देखिए इससे पहले था उसके बाद बढ़ा है, तो यहाँ पर देखिए ये फ्लॉप्स हो गया। देखिए मेरे दोस्तों
डिप्लोमेसी को बारे में भी देखिए, जब ये पॉइंट बढ़ा है, देखिए तीर का निशान जो हरा है ये बढ़ाया तो यहाँ पर फ्लॉप्स हुआ है। इससे मैं एग्जांपल के तौर में दो प्लेयर को दिखाया हूँ जो जिसका पॉइंट बढ़ा वो फ्लॉप्स हुआ है। ये लॉजिक है, ये तरीका है। पूरे यूट्यूब पर ऐसा वीडियो आपको देखने को नहीं मिला होगा, क्योंकि मैं कभी एनालाइज करने के बाद कभी रिसर्च करता हूँ तब जाकर आपको बताता हूँ। मैं हवा हवाई में बात नहीं करता हूं। मैंने आपको एग्जांपल के लिए दो प्लेयर रखे हैं। अब विराट कोहली को ना तो पॉइंट बढ़ाया ना तो घटाया, आखिर ये क्यों नहीं बढ़ाया नियम घटाया, जबकि विराट कोहली फ्लॉप्स होता था, जबकि ये पर डिप्लोमेसी फ्लॉप्स भी नहीं आता था, इसका पॉइंट बढ़ाया उस दिन इनका फ्लॉप्स हो गया है। मेरे दोस्तों, ग्री 11 का लॉजिक समझना कोई बच्चे का खेल नहीं है। इसे समझने के लिए आपको कई साल कई महीने लग जाएंगे, कई दिन भी लग सकता है। इसीलिए मेरे दोस्तों, पूरा वीडियो को एंड तक देख लिया करो, हो सकता है यही लॉजिक आपको काम कर जाए। आप काम करते हैं उतना दिन से प्रॉफिट नहीं कर रहे हैं, ये लॉजिक समझने के बाद कल ही आपको प्रॉफिट हो जाए, एक रात एक घंटे में प्रॉफिट हो सकता है, ये कोई नहीं है। मैंने विराट कोहली को देखें, इसका पॉइंट नहीं बढ़ा है, चाहे फ्लॉप्स हुआ है नहीं हुआ। डिप्लोमेसी को पॉइंट बढ़ाया फ्लॉप्स हुआ है, बिलेस को पॉइंट बढ़ाया फ्लॉप्स हुआ है। इस तरह से देखिए भाई, कहाँ में हो। अब आ जाता हूँ ओलंडर सेक्शन में, और मैं ये लॉजिक इसलिए आपको बताता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और पूरी लॉजिक समझ जाएगा। क्योंकि डब्ल्यू हसरंगा जो हरेक मैच में फ्लॉप्स होता था, ग्रैंड मैक्स बेल जो फ्लॉप्स होता अच्छे खासा परफॉर्म करता था, इसका पॉइंट देखिए भाई, वो तो बैट्समैन का था। ओलंडर में देख लीजिए भाई, मैं और कुछ बताना चाहूँगा, ये नहीं है कि जो भी इम्पॉर्टेंट बात है वीडियो को बीच में भी बोल सकता हूँ या एंड में भी बोल सकता हूँ, इसीलिए बिना स्किप किए इस वीडियो को देखते रहिए। देखिए यहाँ पर 13 पॉइंट, नो क्रेडिट। उसके बाद आ जाता है नो क्रेडिट, नो क्रेडिट, चाहे फ्लॉप्स हुआ नो क्रेडिट, नो क्रेडिट, नो क्रेडिट, नो क्रेडिट। ये देखिए इस बाइंग ग्रैंड मैक्सवेल को आखिर पॉइंट क्यों नहीं बढ़ाया है, जबकि फ्लॉप्स होता है 0 पॉइंट देता है है। देखिए ग्रैंड मैक्सवेल के बारे में आप जानते हैं, यहाँ पर भी फ्लॉप्स हुआ है, 2 पॉइंट दिया है, यहाँ पर भी अच्छे खासा पॉइंट दिया है, यहाँ पर देखिए फ्लॉप्स हुआ है, यहाँ पर भी फ्लॉप्स हुआ है, इनका क्रेडिट आखिर क्यों नहीं बढ़ा ना क्यों घटा। देखा एग्जांपल के लिए, मैं एक नहीं पूरे 4 प्रूफ्ड आपको दिखा चुका हूँ, और 5वां प्रूफ्ड देखने के लिए तैयार हो जाइए। यहाँ पर है डब्लू हसरंगा, जो कि डब्लू हसरंगा को क्रेडिट देखिए, 8 पॉइंट इतना फ्लॉप्स हुआ है, 8 पॉइंट इतना है, ये इनका क्रेडिट देखिए नीचा था, नीचा था तो 6 पॉइंट दिया है। देखिए इसका मतलब है नो क्रेडिट था, ये खेलता नहीं था, नो क्रेडिट, नो क्रेडिट, ये खेला नहीं। यहाँ पर देखिए जय क्रेडिट नीचे आया तो 31 पॉइंट देख गया है। यहाँ पर देखिए जय क्रेडिट 8 पॉइंट इतना ऊपर है, 37 पॉइंट दिया है डब्ल्यू हसरंगा। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर भाई एग्जाम्पल आपके सामने है, कोई फेक फेकोवल नहीं है। इसी तरह से आप बॉलर सेक्शन में भी निकाल सकते हैं, थोड़ा मेहनत लगेगा ये सब क्रेडिट देखना और निकालना, थोड़ा मेहनत लगेगा, क्योंकि 30-30 प्लेयर होता है टाटा आईपीएल के अंदर, 30-30 प्लेयर में से आपको इंपॉर्टेंट प्लेयर को 11 चूज करना है। तो मेरे दोस्तों 11 में से आप क्रेडिट देख लीजिए, इससे दो लॉजिक को आपको पता लगता है। अगर जिसको क्रेडिट नीचे किया है वो प्लेयर आज का मैच में अच्छा खासा प्रदर्शन करने वाला है, जिनको ऊपर किया है क्रेडिट तीर के निशान अगर ऊपर जा रहा है तो वो प्लेयर आज के मैच में फ्लॉप होने वाला है। इसीलिए डिरी 11 कंपनियां है उसे क्रेडिट का आगा पीछा करता है। कोई लोग कमेंट के माध्यम से कोई भाई साहब कहता होगा ये लक का खेल है, मेरे दोस्तों लक है और स्किल भी है, ये नहीं है कि सिर्फ लक पर डिपेंड करता है। अगर आपका लक है भी है स्किल भी है, इसीलिए लक के साथ साथ स्किल भी काम करता है। अगर आप स्किल लगाइए, जिस दिन आपका लक होगा उस दिन आप अच्छे खासा प्रॉफिट कर सकते हैं, जिस दिन आपको लक नहीं होगा उस दिन आप अच्छे खासे प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे, उस दिन आकर भी फ्लॉप्स हो जाएगा। अब देखिए ये सब दिखा दिए हैं, अब हर्षल पटेल का देखिए, हर्षल पटेल का मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि बंदा कभी भी इसे अपनी टीम में क्रेडिट इनका देखिए,
इनका तो फ्लॉप्स हुआ है, इनका क्रेडिट कोई नहीं घटाया नहीं बढ़ाया। इससे क्या मिलता है, जिस प्लेयर को उनको ना क्रेडिट घटाता है नहीं बढ़ाता है तो वो प्लेयर चलने योग्य है, वो प्लेयर हमेशा चलेगा। जिस प्लेयर को जिस दिन क्रेडिट बढ़ा हुआ घटा तो समझ जाइए वो रिक्सेबल प्लेयर है। वैसे अगर घटेगा तो अपने टीम में रखिएगा, अगर बढ़ेगा तो अपने टीम से ड्रॉप कर दीजिएगा। यही दो ट्रिक है। और एग्जांपल के तौर में देखिए, मैं आपको एग्जांपल के तौर में बता देता हूँ, क्योंकि ये आरसीबी और कलकत्ता के मैच अभी तुरंत है जो वो होगा, और मैं इनके बारे में जो अगले मैच हुआ था लाइव प्रूफ के लिए बता देता हूं, ताकि यहां पर आरसीबी और राजस्थान रॉयल का बीच जो मैच हुआ था वो रियल आपको दिखा देता हूं, जिनका फर्स्ट प्राइज आया रे भैया वो को दिखा देता हूं। देखिए यहां पर ग्रेन मैक्सवेल क्रेडिट ना कमा ना बढ़ा, तो ये सेफ प्लेयर और सेफ कैप्टन और वाइस कैप्टन था। और यहाँ पर देखिए हर्षल पटेल का, इन्हें बहुत से लाइनअप से आप ड्रॉप कर दिए होंगे, मैंने उस दिन भी वाइस कैप्टन मैं भी दिया था, लेकिन कैप्टन एम सूरज को दिया था। और मैंने ये भी बता दिया था अगर पहले बैटिंग करेगा तो ये डिप्लोसी का कैप्टन दे दीजिएगा, अन्यथा आप वाइस कैप्टन हर्षल पटेल को दे दीजिएगा। जिन भाई साहब ने पूरे वीडियो देखे होंगे उस दिन आज अच्छे खासे प्रॉफिट किए होंगे। जिन भाई साहब को लगता है कि ये स्किप कर कर देखते हैं, इंपॉर्टेंट बात मिस हो जाता है, इंपॉर्टेंट बात झूठ जाता है। देखिए इनका जो यही पर लॉजिक है, ये हर्षल पटेल को क्रेडिट ना तो घटा ना तो बढ़ा, ये ड्रॉप लाइनअप से बाहर आने के बाद इनका क्रेडिट ना बढ़ने और ना घटने के कारण है। ये कभी भी बॉलिंग कर सकता है, पूरे चार ओवर उस दिन मिला है, पूरे चार ओवर में वो तीन विकेट निकाला है, जिसके कारण लाइनअप में घोषित ना होने के बावजूद भी ये प्लेयर को बुलाया गया है, ये चार ओवर कराया गया है, जिसके जो भाई लोग इन प्लेयर को ड्रॉप किया होगा और उन भाई लोग को काफ़ी सारा नुकसान हुआ होगा। मैंने भी कहा कि अगर ये प्लेयर आज वाइस कैप्टन योग है, देखा अच्छे खासा प्रॉफिट किया है, मैंने उस दिन डिप्लोसी को वाइस कैप्टन दिए हैं, बोले अगर बैटिंग करेगा तब, अगर बॉलिंग करेगा पहले तो तब देना है एम सूरज को, क्योंकि एम सूरज को लास्ट सेकेंड इनिंग में जब बॉलिंग करता है तो एक से दो विकेट ही निकालता है, जब फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करता है ये तीन से चार विकेट निकालने का क्षमता रखता है। हर्षल पटेल ऐसा नहीं है, चाहे फर्स्ट में बॉलिंग करे या सेकेंड में बॉलिंग करे, ये दोनों कंडीशन में अच्छे खासे विकेट निकालता है। यही दो लॉजिक है, अगर आपको दो लॉजिक समझ में आ गए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना, अगर नहीं समझ में आए हैं तो ये वीडियो को फिर से देख लेना, ताकि आप अच्छे खासे प्रॉफिट कर सकते हैं। मैंने दो लॉजिक दो ट्रिक इसलिए बता दिए हैं, जितने भी मेरे ऑडियंस हैं कमेंट के माध्यम से, ये मुझे कमेंट को देखना मिलता है, मैं बहुत लॉस में हूँ भाई कुछ करो, इसलिए मैं वीडियो बना देता हूँ। मेरे दोस्तों आप सिर्फ वीडियो थोड़ा सा छोटा वीडियो बनाता हूँ, 5 से 10 मिनट का अंदर हो जाता है, आप वीडियो देखते नहीं हो, सिर्फ कॉपी कर लेते हो, या तो कॉपी नहीं करते हो या थोड़ा भगा भगा कर देख लेते हो। जो भी मेरे बंदे हैं, जो भी मेरे ऑडियंस है, वो नुकसान होने का यही मेन वजह है, वो तो ना वीडियो सही से देखता है, सिर्फ कॉपी करता है। मैंने वीडियो के माध्यम से पूरा एनालाइज करने के बाद हर एक को रिकॉर्ड स्टेट और ये भी बता देता हूँ, ये चलने वाले प्लेयर है, ये रिक्सी कैप्टन है, ये रिक्सी वाइस कैप्टन है, मैं सारा कुछ बता देता हूँ, ताकि मैं आपको अंधेरे में ना रख सकूँ, बड़े क्रिएटर की तरह घुमा फिरा कर ना रखूँ। आज का वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।